वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज वर्किंग कैपिटल क्रेडिट असेसमेंट में मैं बढ़िया एक टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो है डिड्यूप चेक्स इन बैंकिंग। देखिए, ये जो वीडियोस हैं डिड्यूप चेक्स के ऊपर, ये अराउंड मिनिमम 4 वीडियोस के अंदर मैं इसको कवर करूंगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। काफ़ी मेरे पास क्वेरीज भी आ चुकी हैं कि हमें बताइए डिड्यूप्स क्या होते हैं, सिबिल्स क्या होते हैं। तो पूरी डिटेल्ड वीडियो सीरीज रहेगी इसके ऊपर, मिनिमम चार वीडियोज रहेंगी और ज़्यादा भी बन सकती है इसके ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं शुरुआत करता हूँ कि डिड्यूप चेक्स क्या होते हैं बेसिकली। तो देखिए, डिड्यूप एक डिड्यूस वर्ड से लिया गया है, तो जिसका मतलब है कि रिजल्ट आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेट एंट्रीज। डिक्शनरी मीनिंग डुप्लीकेट एंट्रीज मीन्स कोई रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, सारी डुप्लीकेशन को सॉर्टिंग करने के बाद एक करक्स जो निकल के आया है, उस करक्स की बात कर रहे हैं, उस रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो डिड्यूप चेक्स कितनी तरह के होते हैं? जो डिड्यूप चेक्स हैं बैंकिंग के अंदर, दो तरह के वर्ड्स होते हैं। देखिए, डिड्यूप वर्ड यूज करते हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई सिबिल चेक करा लो, वो करा लो। तो स्टैंडर्ड वर्ड जो यूज होता है अच्छे बैंक्स में, उसको डिड्यूप वर्ड्स की तरह यूज करते हैं। एक तो होते हैं इंटरनल डिड्यूप्स, एक होते हैं एक्सटर्नल डिड्यूप्स। दो तरीके के डिड्यूप्स होते हैं। तो जो इंटरनल डिड्यूप्स हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर में होंगे या कौन सी एप्लीकेशन में होंगे, इसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, इसका कोई सेट क्रिटेरिया नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। मेरा मत कहने का मतलब कि जो इंटरनल डिड्यूप्स होते हैं, ये बैंक टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेरी करते हैं, होते हर जगह होते हैं। बट कौन से सॉफ्टवेयर में हो रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन में हो रहे हैं, उनका क्या नाम है, डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोई स्टैंडर्डाइजेशन या सेट क्रिटेरिया नहीं है। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि ABC एक इंटरनल डिड्यूप का सिस्टम है तो यही सब जगह फॉलो होता है, इस तरह से नहीं है। हर एक बैंक का अपना अलग सॉफ्टवेयर होगा या अपनी अलग एक एप्लीकेशन होगी जो उन्होंने बनाई होगी, पर उसका एक लॉजिक जो है कि हम ये इंटरनल डिड्यूप से क्या इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, वो हर जगह सेम रहता है। तो अपने को क्या मतलब है, अपने को इस लेक्चर से मतलब है उसी लॉजिक को पकड़ना, उसी रीजनिंग को समझना। वो रीजनिंग समझ आ जाएगी, उसके बाद आप जिस भी बैंक में काम करेंगे वहां पे एप्लीकेशन देख लीजिए कि कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रही है इन सब चीजों को चेक करने के लिए, ठीक है। तो नाम डिफरेंट होगा बट रिजल्ट जो है, इंफॉर्मेशन क्या निकालनी है, हम चाहते क्या है इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, वो लॉजिक सेम होगा हर जगह पे, ठीक है। तो वो होते हैं इंटरनल डिड्यूप्स या इंटरनल चेकिंग, जिसको हम बोल सकते हैं ये बैंक टू बैंक वेरी करती है। एक्सटर्नल डिड्यूप्स जो है हमारे पास, एक्सटर्नल डिड्यूप्स स्टैंडर्डाइज्ड है, मींस ये आउटसाइड द बैंक सिस्टम, मतलब ये बैंक द्वारा डेवलप्ड कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है इसके अंदर, बैंक की डेवलप्ड एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं जिन्होंने एक एक्सटर्नल डाटाबेस मेंटेन किया हुआ है, उसको हम एक्सेस करते हैं उस डाटाबेस को, और जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां से रिट्रीव करते हैं। अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना कि भाई क्या डाटाबेस, क्या इंफॉर्मेशन, ये सब देखिए 4-5 वीडियोस बनेंगी तो बड़े आराम से और डिटेल में समझेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएंगी कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग।
तो वो एक्सटर्नल ड्यूडुप्स रहते हैं। अब एक्सटर्नल ड्यूडुप्स क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड है, एक सिंगल चीज है और फॉर्मेट्स हैं, या मतलब स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है आउटसाइड द बैंक। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, सिबिल एक एग्जांपल है, क्रिफ एक एग्जांपल है, इक्विफैक्स इक्विफैक्स एक एग्जांपल है, क्रिलिक चेक एक एग्जांपल है, सीएफआर एक एग्जाम्पल है, गूगल चेक, वॉच आउट इन्वेस्टर डॉट कॉम, एमसीए चेक। एक इक्विफैक्स की तरह मैं उसका नाम स्किप कर रहा हूँ, इक्वेरियन या इक्वेरियन करके कुछ होता है एक और, मैं नाम उसका स्किप कर रहा हूँ, आप थोड़ा गूगल सर्च कर लीजिएगा। सिमिलर टू इक्विफैक्स एक इक्वेरियन टाइप का एक और नाम होता है, मैं उसको आई थिंक डोंट थिंक मैं उसको स्पेल एक्यूरेटली कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक एग्जाम्पल्स हैं एक्सटर्नल ड्यूडिप्स की, एग्जाम्पल्स हैं। फिक्र मत कीजिएगा, हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग और क्या नहीं कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है और क्या नहीं। ठीक है, तो पहले तो ये ड्यूडिप चेक्स का आपको पता लग गया कि ये दो तरह के ड्यूडिप चेक्स होते हैं। तो अब सवाल होता है कि हम ये ड्यूडूब चेक्स कर क्यों रहे हैं, वाई वी आर डूइंग ड्यूडूब चेक्स, ड्यूडूब चेक्स एंड व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉर। हम ये चेक्स क्यों कर रहे हैं और इससे हम क्या इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, यही तो बात है ना समझने वाली। ये चेक्स कर क्यों रहे हैं और इससे हम क्या इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। तो दो तरह के डिड्यूप्स हैं आपके पास, इंटरनल डिड्यूप और एक्सटर्नल डिड्यूप। इंटरनल डिड्यूप करने का मोटिव कुछ अलग होता है और जो एक्सटर्नल डिड्यूप हम लोग कर रहे हैं उनको करने का मोटिव ऑल्टुगेदर डिफरेंट होता है। तो हम ये करना क्यों चाहते हैं, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए। देखिए, आपको पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना है, आप लोन देने जा रहे हैं, लोन देने जा रहे हैं, फंडिंग देने जा रहे हैं किसको, बोरोवर को, बोरोवर को फंडिंग देने जा रहे हैं। उसने आपके पास लोन के लिए अप्लाई किया है कि मुझे लोन चाहिए, जो आप उसको पैसा देंगे वो आपको पैसा कहां से मिला, आम जनता से। जनरल पब्लिक ने आपके पास एफडियां खुलवाई हैं, सेविंग अकाउंट में पैसे डाले हैं, आरडियां खुलवाई हैं, और भी 36 तरह के सोर्स ऑफ फंडिंग होती है। तो जनरल पब्लिक से आपने वो पैसा रेज किया और बोरोवर को बांट दिया। अगर कल को आपने खराब बंदों को लोन दे दिया, नीरव मोदी जैसे खराब बंदों को लोन दे दिया, तो वो लोन लेके आपका पैसा पैसा लेके वो भाग जाएंगे, पैसा लेके भाग जाएंगे, उनसे आपको पैसा वापस मिलेगा नहीं, प्रॉपर्टी उनकी इतनी जल्दी बिकती है नहीं। तो ये जनरल पब्लिक जो है, जिसने आपको अपनी मेहनत की कमाई आपको सौंपी है, कल को ये लोग पैसा लेके भाग गए और ये बंदा बेचारे गए एटीएम में अपने पैसे विड्रॉ करने, आपके सारे पैसे लोन के गलत लोन देने के चक्कर में डूब चुके हैं, ये बंदे एटीएम में गए आपके पास सारे पैसे एज अ बैंक खत्म हो चुके हैं, जस्ट एक हाइपोथेटिकल सर्कमस्टेंस। तो वो बंदे पैसे नहीं निकाल पा रहे एटीएम से, कितनी देखो जिम्मेवारी वाला काम है हमारा ये लोन सैंक्शनिंग करने का या लोन देने का, कि हम किसी गलत बंदे को लोन ना दे दें। तो अब ये तो चलो चीजें आपको पता है, अब दुनिया में लाखों लोग हैं, लैक्स ऑफ पीपल हैं दुनिया में, करोड़ों लोग हैं जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं लुधियाना में हूं, तो अगर आप लुधियाना मार्केट में काम कर रहे हैं, तो 5-7 लाख लोग, मान लो यहां पे 5-7 लाख लोग रहते हैं, उनमें से मान लीजिए मिस्टर राज चावला ने मेरे पास लोन के लिए अप्लाई किया, लोन के लिए अप्लाई किया। अब मिस्टर राज चावला नाम के भी हजारों लोग हैं, थाउजेंड ऑफ पीपल हैं, थाउजेंड ऑफ पीपल हैं इन लुधियाना जो मिस्टर राज चावला के नाम पे काम करते हैं। ठीक है, और उन थाउजेंड्स में से कुछ 5-7 लोग ऐसे हैं
जिन्होंने जो फ्रॉडी नेचर के हैं, जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, जिन्होंने फ्रॉड्स किए हुए हैं बैंक्स के साथ या डिफॉल्ट्स किए हुए हैं बैंक्स के साथ, ठीक है। तो इतने बड़े डाटा चंक में से मेरे को कैसे पता कि जो राज चावला मेरे पास लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, ही इज द राइट गाय, ही इज नॉट अमंग दैट 5 to 7%, वो उन 5-7 लोगों में से नहीं है जिन्होंने डिफॉल्ट किया है। यही बंदा एक्यूरेट बंदा है कि जिसने, जो सच्चा है, जिसने अपना बिजनेस सच्चे तरीके से चलाया। ये एक पॉइंट हो गया आपके माइंड में नोट करने वाला कि इतने हजारों लोगों में से मैं कैसे पहचानूं, ठीक है। तो दूसरा, अब दूसरा, अब एक वो एंगल आप अपने पास रखिए कि हजारों लोगों में से मैं कैसे पहचानूं कि ये बंदा सही है, कि इसने कभी जिंदगी में धोखाधड़ी नहीं की। ये चीज आपने माइंड में रखना। अब दूसरी चीज, अब मैं एक बैंक में काम कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एचडीएफसी बैंक में काम कर रहा हूं, एचडीएफसी बैंक में काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं वर्किंग कैपिटल डिपार्टमेंट में, वर्किंग कैपिटल लोन्स में, ठीक है जी। अब जब कभी आप बैंकिंग सेक्टर में काम करेंगे, चाहे आप एचडीएफसी बैंक है, चाहे एसबीआई बैंक, कोई भी बैंक में काम करेंगे, हजारों इंप्लॉयज होते हैं, थाउजेंड ऑफ इंप्लॉयज काम कर रहे हैं वहां पे, और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, राइट। आप वर्किंग कैपिटल में काम कर रहे हैं, इसके अलावा और भी तो लोन डिपार्टमेंट होते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का डिपार्टमेंट अलग होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का डिपार्टमेंट अलग होता है, हाउसिंग लोन का डिपार्टमेंट अलग होता है, प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूं, ऑटो लोन्स, कारों, गाड़ियों, टू व्हीलर्स, ऑटो लोन्स अलग होते हैं, टू व्हीलर्स लोन अलग होते हैं, टू व्हीलर लोन डिपार्टमेंट अलग होता है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन डिपार्टमेंट अलग होता है, एग्री लोन डिपार्टमेंट अलग होता है, राइट। तो सिमिलरली और भी लोन्स, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट अलग होता है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट अलग होता है, क्रेडिट कार्ड लोन डिपार्टमेंट, जो कमर्शियल गाड़ियां होती हैं, कमर्शियल व्हीकल्स का लोन डिपार्टमेंट अलग होता है, और उन सारे लोन्स में अलग अलग आपकी तरह पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज अ क्रेडिट मैनेजर काम कर रहे होते हैं, सेल्स वाले होते हैं, सारा बिजनेस चल रहा होता है जैसे आप वर्किंग कैपिटल में करते हैं। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये तो मैं अभी आपको बात कर रहा हूं कि अगर आप लुधियाना में हैं तो लुधियाना में ये सारे डिपार्टमेंट बैठे होंगे, ठीक है। सिमिलरली चंडीगढ़ में इनके अलग बंदे बैठे होंगे, पटियाला में इनके अलग बंदे बैठे होंगे, अमृतसर में इनके बंदे अलग बैठे होंगे, राइट, और दिल्ली में इनके बंदे अलग बैठे होंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट की डिफरेंट 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 टीम्स लोकेशन वाइज सेपरेट की गई होती है। आप सिर्फ एक खाली वर्किंग कैपिटल लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं प्रज्यूम करता हूं कि बैंक में किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम एस्टेब्लिश्ड नहीं है, तो एक पर्सन ने, मिस्टर राज चावला ने आपके पास लोन के लिए अप्लाई किया, मिस्टर राज चावला ने आपके पास वर्किंग कैपिटल में लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है। मैं प्रज्यूम कर रहा हूं कोई भी सिस्टम नहीं है चेकिंग का, तो आप उसका लोन असेस कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और बाद में साइमल्टेनियसली पता चलता है कि राज चावला ने यहां पे भी फाइल लगाई हुई है, यहां पे भी फाइल लगाई हुई है, यहां पे भी उसकी फाइल चल रही है, और यहां पे भी उसकी फाइल, उसका लोन चल रहा था एक ऑलरेडी जिसमें उसने डिफॉल्ट किया हुआ है, जिनको वो ईएमआई नहीं दे रहा, ईएमआई नहीं पे कर रहा, ईएमआई पेमेंट नहीं कर रहा, या किसी भी और डिपार्टमेंट को लगा लीजिए कि मिस्टर राज चावला है या उसका फैमिली मेंबर है, कोई फैमिली मेंबर है जो आपको एज अ गारंटर प्रपोज हो रहा है, ठीक है। तो मिस्टर राज चावला को छोड़ दीजिए, उसका बेटा लगा लीजिए, या उसकी मदर लगा लीजिए, उसकी वाइफ लगा लीजिए, कोई भी और बंदा है जिसने दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोई डिफॉल्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको उस चीज के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, एक पॉइंट, कि इट इज पॉसिबल, मैं इसको लिख दूंगा अदर, इट इज पॉसिबल दैट द बोरोअर और गारंटर मे हैव डिफॉल्टेड विद अदर डिपार्टमेंट्स,
कि उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ डिफॉल्ट किया हो, ठीक है। सेकंड प्रैक्टिकल एक बात मैं आपको बताता हूं जो मैंने अपनी लाइफ में देखी हुई है। मिस्टर राज चावला लुधियाना के हैं और उन्होंने आपके पास इधर लुधियाना में के लिए फाइल लगाई, लुधियाना में आपके पास फाइल लगाई और लुधियाना में आपने फाइल को रिजेक्ट कर दिया, आपने लुधियाना में फाइल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट किया। उसने आपने उसको कोई लोन नहीं दिया, आप उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, आपको वो बंदा पसंद नहीं आया, आपको कुछ पता चल गया कि वो बंदे में झोल है या उसके उसके फाइनेंशियल्स में कुछ गड़बड़ है या उसका बिजनेस ठीक नहीं है, आपने उसकी लोन फाइल को रिजेक्ट कर दिया और वो लोन खत्म हो गया, बंदा चला गया अपने घर। अब क्या किया मिस्टर राज चावला ने, मिस्टर राज चावला ने चंडीगढ़ में फाइल लगा दी, चंडीगढ़ की टीम के पास फाइल लगा दी। आप तो लुधियाना बैठे थे ना, चंडीगढ़ टीम तो सेपरेट है, तो चंडीगढ़ टीम के पास लोन के लिए अप्लाई कर दिया। आप बोलेंगे कि सर ये लुधियाना का बंदा चंडीगढ़ में कैसे अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। चंडीगढ़ टीम में जो सेल्स वाले बैठे हैं वो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन तो होती नहीं है कि भाई आप चंडीगढ़ बैठे हैं तो सिर्फ चंडीगढ़ से ही लोन फाइल सोर्स करें, तो वो फाइल सोर्स लुधियाना से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिस्टर राज चावला ने अपना चंडीगढ़ में किसी सेल्स वाले से जान पहचान निकाली और चंडीगढ़ टीम के पास लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अब चंडीगढ़ में जो क्रेडिट मैनेजर बैठा था, क्रेडिट मैनेजर बैठा था या जो सेल्स वाला बैठा था वो वीक था, वो वीक था, उसकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसने उस लोन को सैंक्शन कर दिया, उसने उस लोन को सैंक्शन कर दिया, लोन को सैंक्शन कर दिया। बाद में पता चला कि 6 महीने बाद मिस्टर राज चावला पैसे डुबा गया और बैंक को कुछ भी इससे पड़ा नहीं, ठीक है। तो इट मे हैपन, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द फाइल ऑफ द क्लाइंट मे हैव बीन रिजेक्टेड बाय अदर डिपार्टमेंट्स। ये तो लोकेशन की एग्जाम्पल दे दी, अगर मैं लुधियाना की भी बात करूं, मान लीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वालों ने उसका लोन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको कुछ पता चल गया था लुधियाना वाले डिपार्टमेंट ने, ठीक है, आप भी लुधियाना में बैठे हो। तो अगर लोकेशन डिफरेंट की एग्जाम्पल भी हम छोड़ दें, विद इन द सेम लोकेशन भी बात करें, तो ये भी पॉसिबल है कि दूसरे डिपार्टमेंट ने फाइल रिजेक्ट की हो और आपको ना पता हो, या ये हो सकता है कि आप सेम डिपार्टमेंट में हैं और आपका जो काउंटर डिपार्टमेंट है सेम डिपार्टमेंट इन चंडीगढ़ वो फाइल सेंक्शन कर दे, आपने इधर रिजेक्ट की, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी दुनिया है, आप इस बात को समझिए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द फाइल ऑफ द क्लाइंट मे हैव बीन रिजेक्टेड बाय अदर डिपार्टमेंट इन सेम सिटी और अदर सिटी, हो सकता है ना, रिजेक्टेड बाय अदर डिपार्टमेंट और सेम डिपार्टमेंट, आपका वाला डिपार्टमेंट भी हो सकता है पर आपके वाले डिपार्टमेंट में अदर सिटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। आपका अदर डिपार्टमेंट है, उसने सेम सिटी में या अदर सिटी में फाइल को रिजेक्ट किया है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द फाइल ऑफ द क्लाइंट मे हैव बीन रिजेक्टेड बाय द अदर डिपार्टमेंट और सेम डिपार्टमेंट सेम सिटी एंड अदर सिटी एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। ठीक है, तो इन दैट सर्कमस्टांसिस भी बहुत सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को हम लैक कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। अब थर्ड, अब जो ये सेम डिपार्टमेंट का मैंने चीज बताई, इसमें एक मेरे को बात और याद में आ रही है कि मान लीजिए अगर आप वर्किंग कैपिटल लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लुधियाना में, देखिए बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में बंदे आते जाते रहते हैं, ज्वाइन करते हैं छोड़ देते हैं, ज्वाइन करते हैं छोड़ देते हैं, कहीं अब मैंने भी 2-3 बैंक चेंज किए हैं खुद ने, ठीक है, तो छोड़ना दूसरे बैंक में जाना चलता रहता है। अब मान लीजिए आपने एक नए नए बैंक में ज्वाइन किया, आपने HDFC बैंक में आज ज्वाइन किया है, ठीक है, 10 दिन बाद आपके पास एक लोन के लिए फाइल ले आया सेल्स वाला, और जो आपके साथ पुराना बंदा था, जो सबसे पुराना था सिस्टम में, वो बैंक की नौकरी छोड़ गया है, वो किसी और बैंक में ज्वाइन कर गया या कुछ, मतलब वो छोड़ गया है नौकरी, ठीक है, उसको तो सारा कुछ पता था जो पुराना बंदा था। अब आप नए बंदे आ गए हो जिन्होंने अपना सारा काम संभालना है, और सेल्स वाले ने देखा कि भाई ये तो नया बंदा है, इसको तो दोबारा से दिखाते हैं प्रपोजल, इसको क्या पता कि ये फाइल कभी हमारे पास आई थी या नहीं आई थी, ठीक है। तो वो जो पुरानी रिजेक्टेड फाइल्स होती हैं, ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हो चुका है तो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो वो जो पुरानी एक्सपीरियंस, पुरानी रिजेक्टेड फाइलें थी जो पुराने विंटेज क्रेडिट मैनेजर ने रिजेक्ट की थी, आप नए देख के उसको लगा था कि ये नया होगा वीक है, तो वो उठा के सारी फाइलें दोबारा उसने लॉगिन कर दी आपके पास, दोबारा ले आया कि भाई देखो फाइलें। अब आपको बेचारे को पता ही नहीं
कि वो पहले इस फाइल का क्या हो चुका है क्या नहीं, तो ये सर्कमस्टांस भी आपके सामने आ सकता है। समझ गए आप? तो तीन चीजें मैंने आपको बताई कि एक तो हजारों लोगों में से पहचान कैसे की जाए कि ये वही बंदा है, ठीक है, और दूसरा ये सारे सर्कमस्टांस, ठीक है। अब पहली बात का सोल्यूशन ढूंढते हैं, पहली बात का सोल्यूशन ढूंढते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, हाउ डू वी नो दैट द बोरोवर इज सेम गाय हु हैज डन फ्रॉड्स विद अदर्स और हैज डन एनी डिफॉल्ट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना, इस तरह से। तो अपने को कैसे पता चले ये चीज? हजारों लोग हैं, हजारों के नाम राज चावला ही हैं, तो हर एक की सेपरेट आइडेंटिटी क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी क्या है हर एक की, वो उनकी सेपरेट आइडेंटिटी जो है वो उनके होते हैं केवाईसी। हर एक का केवाईसी यानी कि हर एक का पैन कार्ड नंबर एंड आधार कार्ड नंबर यूनिक होगा। अब देखिए, अब मैं उन सर्कमस्टांसेस की बात नहीं कर रहा कि जिसमें बंदा पूरा अल्टीमेट फ्रॉड है कि जिसने मल्टीपल पैन कार्ड ही बना लिए, उनके बारे में भी कभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पर मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उस तरह के फ्रॉड केस को भी पकड़ा हुआ है कि जिन्होंने मल्टीपल पैन कार्ड्स के थ्रू अपने लोन्स को अप्लाई किया हुआ है। वो कैसे पकड़ा था वो मैं आपको जस्ट एक हिंट दूंगा यहाँ पे कि कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया था। तो उन बंदों की पहचान कैसे की जाए, उनके पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ की एंट्री, एड्रेस कैप्चरिंग, मोबाइल नंबर कैप्चरिंग एक्सेट्रा। तो बैंक को अपने को इन चीजों से सेफगार्ड करने के लिए, इन चीजों से सेफगार्ड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। ध्यान से समझिएगा, अब बैंक्स को अपने इंटरनली, जो मैंने आपको ये सर्कमस्टांस समझाई, ये इंटरनल टू द बैंक्स है, इंटरनल इश्यूज है ना, कि इंटरनली विद इन द डिपार्टमेंट्स, विद इन द डिफरेंट लोकेशंस मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग, तो इंटरनल इश्यूज है। तो बैंक्स को अपने इंटरनल चेकिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए, ताकि हर एक बंदे को हर एक चीज पता हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, उनको एक एप्लीकेशन को डेवलप करना पड़ेगा, उनको एक एप्लीकेशन को डेवलप करना पड़ेगा, राइट। वो जो एप्लीकेशन होगी या जो वो सॉफ्टवेयर लगा लीजिए आप सिंपल लैंग्वेज में, वो जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होगा वो सारा डाटाबेस मेंटेन करेगा, सारा डाटाबेस मेंटेन करेगा किसका, ऑफ ईच एंड एवरी क्लाइंट, ईच एंड एवरी क्लाइंट हु हैज अप्लाइड फॉर लोन विद द बैंक्स, अप्लाइड फॉर द लोन्स विद द बैंक, विद दैट बैंक उस बैंक को वो डाटाबेस मेंटेन करेगा हर एक क्लाइंट का जिसने उनके पास लोन के लिए अप्लाई किया, और उस डाटाबेस को रेगुलर अपडेट करेगा, उस डाटाबेस को अब रेगुलर अपडेट करेगा कंसर्न्ड डिपार्टमेंट विद हुम क्लाइंट हैज अप्लाइड। भाई क्रेडिट कार्ड वालों के पास उसने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया और क्रेडिट कार्ड वालों ने उसके क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया, तो जो डाटा उसने अप्लाई किया तो वो एक एप्लीकेशन में डाटा रिकॉर्ड होगा कि वो अप्लाई हो गया लोन। तो अगर उन्होंने उसको रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट करने का कारण क्या था, वो उसमें फाइनल उसमें अपडेट करके उसको क्लोज करेंगे उस एंट्री को, ठीक है, या अगर उन्होंने उसको सैंक्शन कर दिया तो वो सैंक्शन का बताएंगे कि हमने सैंक्शन कर दिया,
पास कर दिया, ओके कर दिया, तो वो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट उसको अपडेट करेगा. दैट डाटाबेस कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी वन इन द बैंक, एनी वन ऑथराइज्ड क्रेडिट मैनेजर और आरएम तो ऑथराइज्ड होते ही हैं, एनी वन ऑथराइज्ड इन द बैंक. उस डाटाबेस को कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है. ठीक है जी, ये आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया. मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि बैंक्स को अपने पास इन दिक्कतों से बचने के लिए, ये वाली दिक्कतों से बचने के लिए एक डाटाबेस को मेंटेन करना पड़ेगा, अपने पास एक इंटरनल चेकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, एक डाटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर. वो डाटाबेस किसका होगा? हर एक क्लाइंट का जिन्होंने अप्लाई किया किसी भी तरह की फैसिलिटी के लिए उस बैंक के अंदर. तो वो जो जिस डिपार्टमेंट के पास भी उसने अप्लाई किया, वही डिपार्टमेंट उसके अंदर अपडेशन देगा अपना डिसीजन कि रिजेक्ट किया तो क्यों किया, सैंक्शन कर दिया तो बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों सैंक्शन किया. ठीक है, तो और सैंक्शन के साथ वो बताएगा कि कितना अमाउंट सैंक्शन किया. तो वो डाटाबेस जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होंगे बैंक के वो एक्सेस कर सकते हैं. तो मैं ऑथराइज्ड हूं, मान लो मैं अंकुश जैन हूं और मैं उस डाटाबेस को ऑथराइज्ड हूं, इस डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड हूं और मैंने इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लॉगिन किया, अपना आईडी पासवर्ड डाला. हर एक बैंक एम्प्लॉई को उसका आईडी पासवर्ड दिया जाएगा. ठीक है ना, तो जो ऑथराइज्ड बंदे हैं उनको आईडी पासवर्ड उस एप्लीकेशन का, वो भी इस एप्लीकेशन के नाम अलग अलग हो सकते हैं हर एक बैंक में क्योंकि ये इंटरनल एप्लीकेशन है, उसका एक आईडी पासवर्ड हर एक एम्प्लॉई को जो भी ऑथराइज्ड है उनको दिया जाएगा. तो मैंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला और एप्लीकेशन के अंदर चला गया, इस डाटाबेस के अंदर चला गया. ठीक है, तो अब डाटाबेस, अब मेरे पास, अब लोन के लिए अप्लाई किसने किया था? मिस्टर राज चावला ने अप्लाई किया था. अब पहला सर्कमस्टांस, मैंने उसमें एंट्री डाली, मैंने उसमें लिख दिया, मान लीजिए ये एप्लीकेशन है मेरे सामने, ये एप्लीकेशन खुल गई है, इंटरनल चेकिंग सिस्टम ऐसे कुछ उसका नाम रेंडमली रख देते हैं या इंटरनल डिड्यू नाम लिख देते हैं. एप्लीकेशन खुली, वहां पे मैंने डाला नेम एंटर किया मैंने अपने कीबोर्ड से, मिस्टर राज चावला एंटर किया और मैंने यहां पे सर्च बटन पे क्लिक किया, सर्च बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो, क्योंकि वो HDFC बैंक का फॉर एग्जांपल, तो HDFC बैंक का ये पैन इंडिया का डाटा है, पूरे इंडिया का डाटाबेस, ये कोई लोकेशन वाइज डाटाबेस नहीं होता, पूरे इंडिया का डाटाबेस होता है. तो पूरे इंडिया के भाई लाखों राज चावला निकला है, मैंने जैसे ही सर्च किया तो भाई मुझे क्या पता भाई, मैं, मेरे पास इतना समय थोड़ी है कि मैं एक एक एंट्री को, एक एक पेज को ड्रैग डाउन करते देखता जाऊं और मैच करता जाऊं कि मेरा राज चावला कौन है. तो थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा सर्च को, और थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा. कैसे रिफाइन करेंगे? मैं राज चावला डालूंगा, साथ में उसका पैन नंबर डाल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा, मान लीजिए मोबाइल नंबर डाल दिया, वैसे तो ये तीन भी इनफ है, मोबाइल नंबर डाल दूंगा. ठीक है, तो मैंने डाला और सर्च बटन पे क्लिक किया. अब इतने रिजल्ट नहीं आएंगे मेरे पास क्योंकि पैन नंबर हर एक बंदे का यूनिक होता है, तो इतने सारे रिजल्ट नहीं आएंगे. अब मेरे पास क्या आएगा? अब मेरे पास थोड़े से रिफाइंड रिजल्ट आएंगे, जैसे 10-15 रिजल्ट आ गए. अब आप बोलेंगे कि सर 10-15 रिजल्ट कैसे आएंगे, पैन नंबर तो एक ही होता है, वो तो मैच होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा. देखिए, जो ये इंटरनल चेकिंग सिस्टम बनाया जाता है ये अप्रोक्सीमेट सर्च के थ्रू बनाया जाता है. अगर पैन नंबर में एक आध डिजिट का फर्क है या डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा फर्क है पर मोर और लेस अप्रोक्सीमेट मैच है तो वो दिखाते हैं वहां पे. तो जो मैच आपको निकल के आएंगे, जो लिस्ट निकाल के देगा सर्च बटन क्लिक करने के बाद, जो आपके सामने लिस्ट आएगी, तो उस लिस्ट में आप पाएंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, जैसे नेम दिया होगा, पैन नंबर दिया होगा, डेट ऑफ बर्थ दिया होगा, मोबाइल नंबर दिया होगा, एड्रेस दिया होगा और रिजल्ट लिखा होगा,
रिजल्ट लिखा होगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 बैच आ गए, क्योंकि अब पैन नंबर से सर्च किया है साथ में, तो थोड़ा सा रिफाइंड डाटा आएगा, ठीक है। तो अब 10 राज चावला के नाम आ गए, राज चावला या राज चावला के साथ रिलेटेड कोई भी नाम, जैसे चावला W के साथ है, CHAW, तो किसी ने CHAV के साथ डाला हुआ, तो राज चावला उस तरह से भी आ गया, ठीक है। तो उसका उनके टेंटेटिव पैन नंबर आ गए। कई बार क्या होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट ने पैन नंबर उसमें डाला ही नहीं होता डाटाबेस में। अब ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से निकलेगी? जो ये डाटाबेस मेंटेनेंस है, इसमें जो लोन के लिए अप्लाई करेंगे बंदे, तो ये डिपार्टमेंट वाले इसमें सारा इनपुट करेंगे कि ये बंदा है, ये पैन नंबर है, ये मोबाइल नंबर है। तो वही चीज यहाँ पे डाटाबेस में मेंटेन हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और जब हम कई बार इसमें सर्च मारेंगे तो वही जो डाटा एंट्री की होगी दूसरे डिपार्टमेंट ने, वही निकल के आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ ऐसे, मोबाइल नंबर, जो भी मिलते जुलते, एड्रेस और रिजल्ट, की रिजल्ट मीन्स पॉजिटिव मैच या नेगेटिव, या मतलब कोई इसमें मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से मेरा मतलब है कि कुछ मतलब मैच है या नहीं है, ठीक है, मतलब नेगेटिव वाला। तो इस तरह से आएंगे। अब जो 5-10 एंट्रीज जब मेरे पास आ जाएंगी ना, तो मेरे को मेरे क्लाइंट का पता है, तो मैं उसको थोड़ा सा टैली करूंगा साथ में कि अच्छा ये पैन नंबर तो कुछ किसी और क्लाइंट्स के, मेरे तो है ही नहीं, ये डेट ऑफ बर्थ किसी और क्लाइंट्स की है, मेरी तो है नहीं, ये एड्रेस मेरा क्लाइंट शास्त्री नगर लुधियाना में रहता है, तो शास्त्री नगर लुधियाना का तो कोई एड्रेस है नहीं। तो मैं देखूंगा कि फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी का नेगेटिव भी लिखा हुआ कि ये बंदा फ्रॉड है, ऐसे है वैसे है, या दूसरे डिपार्टमेंट ने लिखा हुआ कि मैंने फाइल को रिजेक्ट किया, ऐसे है वैसे है, तो मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि भाई मेरे साथ तो कोई चीज मैच कर ही नहीं रही, मेरे साथ तो कोई चीज मैच कर नहीं रही, तो मेरे को इस चीज से फिर कोई मतलब नहीं है। पर कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने प्रैक्टिकल भी देखा था अपने साथ, मेरे साथ हुआ भी था, कि मेरे पास जो पैन नंबर के लिए उसने अप्लाई किया था, तो उस क्लाइंट का एक और पैन नंबर भी था पहले, वो पैन नंबर कैच हो गया यहाँ पे, क्योंकि उसकी बंदे की डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस सेम रहा, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस सेम था, तो मेरे को क्लिक किया कि यार राज चावला ये भी है, पैन नंबर में थोड़ा पैन नंबर चेंज है, डेट ऑफ बर्थ भी यही है मेरे क्लाइंट वाली, और जो एड्रेस है घर का नंबर 103A शास्त्री नगर लुधियाना, मेरे क्लाइंट का भी यही था, पर पैन नंबर डिफरेंट है, पर यहाँ पे फ्रॉड का मैच आया हुआ है कि क्लाइंट ने फ्रॉड किया। तो मैंने फिर यहाँ पे क्लिक किया तो पाया कि, और मैंने जब उसको फर्दर एक्सप्लोर किया तो पाया कि भाई क्लाइंट ने मेरे को फेक पैन नंबर बना के, या मतलब अलग नया पैन नंबर रजिस्टर करके मेरे को अलग से दे दिया, करेक्ट। तो इस तरह से भी आपको चीजें का पता चल सकता है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं इंटरनल डिड्यूस, इनको हम बोलते हैं इंटरनल डिड्यूस, कि बैंक्स विदिन दैट कैटेगरी, जो बैंक्स होते हैं अपने बैंक के सिस्टम को इस तरह से सेट करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स यूनिफॉर्मली किसी चीज को चेक कर पाए, यूनिफॉर्मली चेक कर पाए, और किसी की डिपार्टमेंट के साथ किसी भी तरह का धोखा ना हो। किस तरह का धोखा? इस तरह का धोखा ना हो, ठीक है। तो ये होता है इंटरनल डिड्यूप। तो बाकी इसके बाद होते हैं एक्सटर्नल डिड्यूप्स, एक्सटर्नल डिड्यूप्स, जिसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा टॉपिक को, और आप को एक फंडामेंटल समझ आया होगा इंटरनल डिड्यूप का। एप्लीकेशन अलग अलग हो सकती है, सॉफ्टवेयर अलग अलग हो सकते हैं बैंक्स के अंदर, बट जो फंडामेंटल है कि हम ये क्यों कर रहे हैं वो सेम रहता है, लॉजिक उसका सेम रहता है। तो आपको नाम देख के डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में घबराना नहीं है, राइट। तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।